हेलो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ जिक्त रोक्स एक्सल 200 सिरप के बारे में। इसके यूज और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं और आपको किन किन बीमारियों में बच्चे के लिए इसका उपयोग करना चाहिए। यह बच्चों का सिरप होता है जो कि बहुत ही उपयोगी होता है। वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। आइए अब बात कर लेते हैं जिकथ्रोक्स एक्सल 200 सिरप के बारे में। जिकथ्रोक्स एक्सल सिरप जो होता है, इसकी प्राइस होती है 98 रुपीज़। यह आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल सकता है और इसकी एक्सपायरी डेट होती है 4/2024। आप जब भी किसी भी टैबलेट या सिरप का यूज करें तो उसकी एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक कर लेनी चाहिए। इसमें जो साल्ट होता है वो होता है एजिथियोमाइसिन। एजिथियोमाइसिन साल्ट इसमें 200 mg में पाया जाता है और यह आपको 30 ml में किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल सकता है। ये देखिए, इसमें इस प्रकार की बोतल निकलती है जो कि कांच की होती है। आपको इसे सावधानी से रखना चाहिए। आप जब भी इसका यूज करें तो बच्चों को इसे हिलाकर देनी चाहिए। ये देखिए, इसमें ऐसा निकलता है ये कुछ। एजिथ्रोमाइसिन सिरप का यूज जो किया जाता है वो बच्चों में किया जाता है। जैसे कि आपका बच्चा 3 महीने से लेके अगर 6 महीने तक का है तो आप इसका यूज कर सकते हैं, या उससे ज़्यादा है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसकी डोज जो होती है वो वेट के हिसाब से आप अपने डॉक्टर की सलाह से दे सकते हैं। एजिथ्रोमाइसिन सिरप जो होता है, इसका यूज किया जाता है जैसे कि बच्चे के गले में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो, गले में दुखन हो, टोनसिल हो रहे हों, या उसे खांसी हो, या फीवर जो बार बार आ रहा है, आप इसका यूज उसमें भी कर सकते हैं। एक बार फिर सुन लीजिए, आप इसका यूज जब भी करें तो अपने डॉक्टर की सलाह से करें, क्योंकि इसकी डोज जो होती है वो बच्चे में वेट के हिसाब से कम बढ़ती की जाती है। आपको इसका यूज जो करना है वो करना है जैसे कि आपके बच्चे में गले में दुखन हो, खांसी हो रही हो, नाक से पानी बह रहा हो, या नज़ला हो रहा हो, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। एजिथियोमाइसिन सिरप का यूज जो किया जाता है वो सर्दी में अधिकतर किया जाता है। जिस बच्चे को सर्दी लग जाती है इसका यूज उसमें भी किया जाता है। यह एक पैटर्न मेडिसन है। इसके साइड इफ़ेक्ट जो होते हैं वो होते हैं हल्की बच्चे को नींद आनी, चक्कर आना, घबराहट होना, ये सब इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। इसका यूज ठंड में अधिक किया जाता है, जैसे कि बच्चों में नमूनिया हो जाता है, नमूनिया टाइटिस हो जाता है, तो इसका यूज आप कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।